दुनिया भर में भगवान शिव के कई प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन ओंकार के आकार की पहाड़ी पर बसे ओंकारेश्वर मंदिर की बात कुछ अलग ही है। मान्यता के अनुसार इस मंदिर में रोज को भगवान शिव और पार्वती यहां आकर चौसरपान से खेलते हैं। यह सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। नर्मदा किनारे बसा ओंकारेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके दर्शन के बिना चारों धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। पुराणों के अनुसार इस मंदिर की स्थापना राजा मानधाता ने की थी। वे भगवान राम के पूर्वज थे। मंदिर के मुख्य पुजारी डंकेश्वर दीक्षित बताते हैं कि यह मंदिर वेदकालीन है। कहते हैं कि भगवान शिव के 16 सोमवार के व्रत की कथा में भी इसका उल्लेख आता है। ऐसी मान्यता है कि रोज रात में भगवान शिव और पार्वती इस मंदिर में आते हैं और यहाँ चौसरपान से खेलते हैं। यही कारण है कि रात में मंदिर के गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग के सामने रोज चौसरपान से की बिसात सजाई जाती है। ये परंपरा मंदिर की स्थापना के समय से ही चली आ रही है। दीक्षित बताते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि चौसर और पान से रात में रखे स्थान से हटकर सुबह दूसरी जगह मिले।